मॉर्निंग का टाइम है, मैं आ गई हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो देखिए आज उड़हल कितना खूबसूरत खिला है। यहाँ पर भी एक है, देखिए ये भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे गुलाब भी हैं, और ये भी फूल बहुत सुंदर है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ आप लोग बताइएगा, मैं दिखाती हूँ ये किस चीज़ की पेड़ है। और मैं उखाड़ नहीं रही हूँ क्योंकि देखिए इसमें ना छोटे छोटे मतलब एकदम फल जैसा है, देखिए मैं दिखाती हूँ। और छोटे छोटे एकदम फल जैसा है, उसमें लगता है भीतर से कुछ दाना है। और देखिए देख रहे हैं ना ये किस चीज़ का पेड़ है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताइए। देखिए मिर्च में कितना छोटा छोटा मिर्च भी आ गया है, देखिए इस चीज़ का पेड़ है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इसीलिए मैं मिर्च के पेड़ से इसको उखाड़ नहीं रही हूँ कि पता नहीं कुछ हर्ब्स का है कि क्या चीज़ का पेड़ है। और यहाँ पर देखिए कनेल का भी फूल खिला है। चलिए सारा फूल तोड़ रहे, आज है सोमवार तो भोले बाबा के लिए ये फूल निकल गया है। आज दिन की लंच थाली के लिए यहाँ पे देखिए चावल चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पर मेरा चाय चढ़ा हुआ है, यहाँ पर है दाल, और ये मिर्च है, लौकी सुबह में ही मैं सबरमा ले आए थे फ्रेश, भिंडी है, और यहाँ पर है फ्रेश धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता में सिर्फ हरी मिर्च डाल करके पीसिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है, नींबू डाल करके। और एक तो बनता है कि जिसमें आप ये टमाटर लहसुन डाल के भी पीस सकते हैं। पीछे चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम, बहुत आवाज़ आ रही होगी। स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग वीडियो में, और कल के नॉनवेज वाली वीडियो पे आप लोगों मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भी दिए, शेयर भी किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। लेकिन बहुत सारे बैड कमेंट्स भी आ जाते हैं, जब भी मैं नॉनवेज की वीडियो डालती हूँ या रेसिपी दिखाती हूँ तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो कभी कभी मुझे बहुत गिल्टी भी फील होने लगता है कि मैं क्यों शेयर करती हूँ। लेकिन देखिए विजयदशमी में ना हमारे यहाँ जरूर बनता है, मटन हो गया, पुआ हो गया, पूड़ी हो गया, ये सब मतलब विजयदशमी के दिन ही बनता है। और बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि तुरंत अष्टमी का भोग बनाई तुरंत विजयदशमी में, तो विजयदशमी में मतलब पुआ बनता है, पूड़ी बनता है, मटन बनता है, मतलब हम लोगों के यहाँ ये सब, बहुत लोगों के यहाँ ये सब रिचुअल है। तो चलिए आज प्योर भेज थाली है, तो जिसमें धनिया पत्ता मिर्च वरमा सुबह में ही ले आए, बोल रहे थे गोभी लेकिन हम गोभी नहीं बनाए हैं। और ये सब की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो चलिए पहले आज थाली दिखा देती हूँ। और कल से प्योर भेज थाली आएगा, और भेज थाली में ऐसा नहीं कि मैं जो टिपिकल जो खाना बनाती हूँ वही रहेगा, एकदम अलग अलग जायका होगा, वो भी देसी, जो गाँव से निकल करके बस छोटे से अपने किचन में लेके आती हूँ। तो आप लोगों को और जिन्होंने मेरी वीडियो को शेयर किया था, प्लीज आप लोग अपना नाम भी मेंशन कर दे, जिससे मैं बहुत प्राउड फील कर सकूं कि मतलब मेरी वीडियो इतनी पसंद आती है कि आप लोग शेयर भी करते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर खाना तैयार कर लेती हूँ, और थाली में क्या क्या है तो सिंपल से जायका भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जो आज का लौकी है ना, ये काली मिर्च वाला है, देखिए ये थोड़ा सा काली मिर्च कूट करके डाली हूँ, इसकी भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ लौकी भी तैयार हो गया है, और अभी का लौकी ना बहुत ताज़ा मिलता है, तुरंत ही गल गया है। थोड़ा सा जीरा दे, और ये देसी मिर्च है, और थोड़ा सा हल्दी डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से गल गया उसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च कूट करके डाल दी हूँ, तो ये भी सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। यहाँ पर नींबू का धनिया पत्ता का चटनी बन गया है, तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं। दिन की थाली में ना थोड़ा सा चटनी वगैरह स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए सिर्फ हरी मिर्च है और धनिया पत्ता है, नींबू का रस है और नमक है, बस ये चटनी इतना ही में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं गर्मा गर्म चावल। और देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि थाली थोड़ा सा ढंग से परसिए, बहुत लोग क्या है गोल बीच में ये लगाते हैं, भात लगाते हैं, फिर कटोरी में तो मैं दाल देती ही हूँ, अगर मैं किनारे दाल रख देती सब्जी का रस गिरता रहता तब मैं सही से नहीं लगाती थाली। लेकिन देखिए इस तरह से जिस तरह से हम लोग शुरू से खाते आए हैं, हम लोग बचपन से ही मेरी मम्मी इसी तरह से थाली लगा करके हम लोगों को दिया करती थी, बस वही देखिए बस यहाँ पर लग गया है गर्मा गर्म चावल। और आज ना आज की थाली के लिए ये मूंग की दाल बनाई हूँ, देखिए आज अरहर नहीं है, सिर्फ मूंग की दाल है, और ये गाढ़ा होता है मूंग का दाल, थोड़ा सा जीरा, देसी मिर्च, हींग और धनिया पत्ता से मैं इसको तड़का लगाई हूँ। तो ये मूंग का दाल, और अरहर का दाल बनाती हूँ तो थोड़ा सा पतला
ये भी गरम गरम दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे लगा देती हूँ गर्मा गर्म दाल। लग गया है दाल और यहाँ पर निकाल देती हूँ सब्जी। तो गैस का फ्लेम बंद है तो आप लोग ऐसा नहीं बोलिएगा कि चढ़ा चढ़ा हम दे रहे हैं। तो ये भी देसी मिर्च के साथ अच्छा लगता है। यहाँ पर लौकी का ये भुजिया ही कहिए और सब्जी नहीं है, ये काली मिर्च वाला भुजिया है। यहाँ पे लगा देते हैं लौकी की सब्जी और यहाँ पे लगा देते हैं भिंडी का भुजिया। ये सिर्फ हरी मिर्च में बनाई हूँ। यहाँ पर है गर्मा गर्म भिंडी का भुजिया, हरी मिर्च डाल करके, इसमें कोई मसाला नहीं है, हरी मिर्च के साथ बना है। चलिए उसके बाद ये है, देखिए ये है चावल का चरौरी। इसमें मैं तीसी डाल करके बनाई हूँ। बहुत सारे हमारे फैमिली भी मिल जाते हैं और बोलते हैं कि अरे आपको तो हम देखे हैं बिहारी थाली की रेसिपी वीडियो में, तो बहुत सारे ये सब मतलब डिमांड भी करते हैं कि आप सेल भी करती हैं। तो देखिए ये बस थाली के लिए अपने से मतलब घर में बना के रखती हूँ और अगर आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा तो मैं ज़रूर इसको सेल करने की कोशिश करूँगी। और देखिए ये चावल का मतलब ये फुला करके उसको पीस करके और ये तीसी के साथ बनता है, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए लगा देती हूँ चावल की चरौरी। उसके बाद है यहाँ पर सलाद है, तो सलाद में खीरा है और गाजर है। तो ये सब ना जब मिस्टर वर्मा की थाली लगेगी तो सब कुछ अलग होता है, लेकिन ये अपनों का प्यार है और बस इसी तरह से मैं थाली दिखाई हूँ जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें फिर थोड़ा सा अगर नींबू का रस डालना है तो डालिए, नहीं तो सिर्फ काला नमक के साथ खाइए सलाद। इसमें एक हरी मिर्च में लगा देती हूँ और यहाँ पर यह है धनिया पत्ता की चटनी। तो आई होप कि आज की थाली पसंद आई होगी। तो चलिए मिस्टर वर्मा की थाली लगा देती हूँ। और देखिए खाने के समय में सारा कुछ अलग रखती हूँ। तो बहुत सारे आप लोग कमेंट्स करते हैं, शुरू से मैं दिखाते आई हूँ कि जब खाना देती हूँ तो सब कुछ अलग रहता है, क्वांटिटी भी कम हो जाता है। तो चलिए खाइए और देखिए ऐसा तो गर्म है। चलिए खाना खाइए, काला नमक ला दें, नमक दे दें उसमें ना, थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दें। ठीक है खाइए। अच्छा बताइए लौकी आज काली मिर्च वाला बनाया है, पहले लौकी थोड़ा सा आप ले करके खा के बताइए कैसा। आज मूंग का दाल बनाया है और थोड़ा सा दाल हम टेस्ट जो है ना अलग कर दिए, अभी काफ़ी गर्म है खाना, खा के बताइए ये लौकी का सब्जी। उसके बाद भिंडी तो बस खाली हरी मिर्च का बनाया है। ठीक है स्वाद हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है कि ठीक है ठीक है। चलिए हाँ खाइए और चरौरी खाइए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी बज रहे हैं शाम को 6 बज गया ना, और देखिए एक नए चेहरे मेरे वीडियो में देख रहे होंगे तो फेसबुक के माध्यम से दिल्ली से मतलब इतनी अच्छी शख्सियत मुझे मिली है और दिल्ली से आई है मेरे साथ भेंट करने के लिए। और नूतन जी अपना परिचय दीजिए। हम दिल्ली में रहते हैं, पटना के रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन लीना जी को जब हम फर्स्ट टाइम देखे हैं तो वो ऐसी लेडी है कि वो हम बिना मिले रह नहीं पाए और वहाँ से हम आए इनसे मिलने के लिए, बहुत अच्छी लेडी है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मतलब इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं और इतना बढ़िया मतलब लग रहा। और भाई साहब लोग भी आए हैं तो कुछ नहीं, एक दिन अलग से मतलब मैं डिनर पे बुलाएंगे तो शाम को सिर्फ थोड़ा सा देखिए स्नैक्स बना रही पर बना रही हूँ। देखिए सिंपल सा है, पनीर पकौड़ा बना रही हूँ। यहाँ पर मिर्च फ्राई कर ली हूँ और थोड़ा सा लच्छा प्याज का पकौड़ा छान दूंगी और यहाँ पर चाय चढ़ा हुआ है। तो चलिए आगे की वीडियो में ड्राइंग रूम से शुरू करती हूँ। और यहाँ पर बहुत प्राउड मतलब फील कर रही हूँ कि पटना से ही मतलब हमारे भैया जी लोग भी आए हुए हैं और इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए भी मतलब मेरे पास नहीं, ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। एक सिंपल सा किचन से निकल करके इतना ज़्यादा प्यार देना तो ये मेरे लिए मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। तो भैया जी हमारे भी व्यूअर्स को थोड़ा हेलो बोल दीजिए। हेलो व्यूअर्स, आप सब लोग का लीना जी को प्यार चाहिए और आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बहुत ही मतलब हमारी सिस्टर
नूतन जी के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, और साथ में मतलब बड़ी दीदी जो है इनके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है। इलाहाबाद से मेरी वीडियो देखी और दीदी भी इलाहाबाद से मतलब वीडियो देखती थी, बहुत ही सिंपल किचन दाल भात की वीडियो से इतना प्यार मिलना तो नहीं, मेरी लड़की को मैंने साउथ अफ्रीका में रहती हूँ, वहाँ से देखो मीना वर्मा जी का, और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को दिखा। बोलिए दीदी बोलिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। नहीं मीना जी को तो बिल्कुल मेरे सिस्टर हैं, इसलिए हम तो अपना इतनी तारीफ नहीं करेंगे, आप लोग कहेंगे कि तारीफ कर रही हैं, लेकिन तारीफ के लायक हैं, आप लोगों को खुद पता चलता होगा। बहुत अच्छा शोभन, हर तरह से उनका देखिए, उनका हर तरीका, खाना बनाने का तरीका, बात करने का स्टाइल या सुबर्नेस देख के हम लोग तो फिदा हो गए। सही बात है उसके सामने जो डॉक्टर पीके वर्मा है, मेरे पापा का नाना घर है, और मेरे पापा का नाना पटना के डिप्टी कलेक्टर थे, तो मेरी दादी सिर्फ इंग्लिश में नाम पढ़ती थी। और यहाँ पर निकाल रही हूँ अचार, देखिए मेरे हाथ का अचार। आप लोग बोल रहे थे अचार सेल करती कि नहीं, नहीं, जो हमारी फैमिली है ना उन लोग के लिए कोई सेल नहीं है, मेरा दिल का प्यार है और बड़ा शौक से दे रही हूँ। और नूतन जी आएंगी एक दिन डिनर पर है, मिस्टर वर्मा के हाथ में मटन भी खाना है, उसके बाद उनके लिए फिर अलग से अचार पैक करूंगी, थोड़ा सा और जबिंडर वाला अचार क्या नूतन जी। और आपका अचार जो है दिल्ली जाने से पहले आपका अचार अलग हम पैक कर देंगे, बिल्कुल ना। आप सब लोग लीना जी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कभी मौका मिले तो आगे इनसे मिलिए, अच्छी लेडी है। चलिए थैंक यू। और यहाँ पर देखिए मिठाई है मेरे लिए, वीडियो के माध्यम से मतलब मेरे आंख में भी आंसू है कि एक सिंपल किचन से निकल करके आप लोगों का इतना प्यार मिला है। और यहाँ पर मतलब नूतन जी दिल्ली से आई हैं, उनकी बड़ी दीदी जो है इलाहाबाद से मेरा ब्लॉग देखती थी, पटना में मिली है और स्पेशल मुझसे भेंट करके करने के लिए आई दिल्ली नोएडा से। और ये देखिए इतना सुंदर साड़ी चूड़ी और पर्स लेकर के आई, और मेरे मतलब आँख से ना मतलब आंसू नहीं थम रहे हैं। और मिस्टर वर्मा का भी यहाँ पर कपड़ा है, और उसके साथ ही ये देखिए साड़ी से मैचिंग पर्स है, और ये इतना सुंदर देखिए। इतना सुंदर चूड़ी है, और मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है, मेरे आँख में आंसू है और इतना प्यार देने के लिए और ब्लॉग के माध्यम से। तो देखिए